क्या आप हो पिताजी? ओ बेटी इंदु, हाँ ये तीन ढोलकपुर के करीबी राज्य मानिक देश, पोरसिंघा और जामनगरी के राजकुमार हैं। हम चार हर साल एक खास अवसर पर मिला करते थे। आहार दमदार उत्सव। 20 साल पहले जब मैं 15 बरस का था, ढोलकपुर, मानिक देश, जामनगरी और पोरसिंघा की राज्य सीमा के चौराहे पर एक छोटा पर मशहूर शिला मंदिर हुआ करता था। हर साल श्रावण की दूसरी पूर्णमासी पर इस मंदिर में एक उत्सव मनाया जाता था। मानिक देश के राजकुमार असीम तेजी से निशाने को अपनी तीर कमान से भेद सकते थे। जामनगर के राजकुमार गदा युद्ध में बहुत कुशल थे, भाले बरछी से वार करने में निपुण थे और सिंघा के राजकुमार, और मैं अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता। सबसे मजेदार और मशहूर पकवान या मिठाई को पेश किया जाता था पोरसिंघा राज्य के तीखे और नरम ढोके, मानिक देश की रसभरी जलेबियां, आमनगर की करारी खास कचौरियां, और आखिर में ढोलकपुर के शानदार लजीज लड्डू। चारों राज्यों के बीच किसी वजह से दरार पड़ गई और वो आपस में लड़ने लगे। अगले साल जब त्योहार मनाया गया, तब इसी आपसी फूट की वजह से पोरसिंघा और जामनगर के गुटों के बीच लड़ाई छिड़ गई। मैंने लड़ाई रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मामला और संगीन हो चला। उस दिन के बाद वो उत्सव फिर कभी नहीं मनाया गया। अब बीते वक्त को याद करके क्या फायदा? चारों राज्य फिर से दुश्मनी भुलाकर दोस्त नहीं बन सकते? क्या वो अनोखा त्योहार, वो खुशी लौटकर नहीं आ सकती? आओ आओ आओ, कैसी है तुम्हारी द्वारका नगरी? जी महाराज, एकदम भली। क्यों ना तुम सब बच्चे आज हमारे साथ दावत में शामिल हो जाओ। जरूर महाराज। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ एक छोटे सफर पर चलो। पर हम जा कहाँ रहे हैं कान्हा? मानिक देश, पोरसिंघा और जामनगरी। कहा जाता है कि मानिक देश में तुक्का चूक सकता है पर तीर नहीं। ओहो, जी करता है रस में डुबकी लगाने। रस में डुबकी लगाने के बजाय कीचड़ में डुबकी लगा बैठे बेचारे। भीम की प्यास को मैं कुछ अलग तरीके से बुझाता हूँ। सभी जन खबरदार, सरोवर पीताम्बरी पर बने बांध पर अचानक दरार पड़ गई है। बांध टूटने पर ये पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा, इसीलिए सभी अपना कीमती सामान बांध कर इलाके को खाली करो। मुझे कुछ करना ही होगा। रुक जाओ भीम। We'll be right back.
बच्चे ने नदी का रुख बदल दिया। ये बाजी तो तुमने मारी, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अलकपुर से बड़े अरसे के बाद कोई हमारे राज्य आया है। बीती बातें याद आ गईं। आहार उत्सव की तुम्हारी योजना हमें पसंद आई। हम सब उत्सव के लिए जरूर आएंगे। ढोलकपुर से मैत्री के प्रस्ताव की बात, हम तहे दिल से राजी हैं। ये आपने बड़ा उचित निर्णय लिया महाराज। प्रणाम महाराज, मैं भीम हूँ। ढोलकपुर के भीम, हमने तुम्हारी साहस और शक्ति के कई किस्से सुने हैं। ढोलकपुर के महाराज ने आपके लिए ये पैगाम भिजवाया है। हम ये न्योता स्वीकार करते हैं। ये खुशखबरी हम फौरन ही महाराज तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। कितनी खुशी की बात है ना पिताजी, सभी राज्य एक बार फिर साथ में उत्सव मनाएंगे। वाकई में, वो भी 20 साल बाद। भीम, कान्हा, बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पग बंद नहीं की तो तुम्हारा सिर पराठे से भी चपटा बना दूंगा। बच्चों, तुम सबको खाना पसंद आया? बहुत पसंद आया। खाना तो बहुत ही बढ़िया है, शुक्रिया चाचा। खाओ खाओ बच्चों, खाओ खाओ और खाओ। बच्चों को खाते पीते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बच्चे कहाँ के हो? यहाँ के तो नहीं लगते हैं? हम ढोलकपुर के निवासी हैं चाचा। ओ, तब इतनी दूर। हम अपने दोस्त से मिलने आए थे। कहाँ रहता है ये दोस्त? द्वारका में, उसका नाम है कान्हा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठंडी बादाम लस्सी पीने से भरे हुए पेट को राहत मिलती है। ले आऊं बादाम लस्सी? ले आइए। खाने के बाद हमें रात को ठहरने की जगह। क्या हुआ? ये लॉकेट ऐसे चमक क्यों रहा है? ये तो काना है। ऐसा लग रहा है उसे कहीं गहरी चोट लगी है। मुझे मदद। कान्हा, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ हो तुम? माया नगरी की, माया नगरी। जल्दी, बहुत कम। कान्हा, किसी न किसी तरह हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। कान्हा, पर सावधान। किसे सावधान रहने को कह रहा था काना? कुछ तो किरमा या फिरमा बोल रहा था। भीम, कहीं काना किरमाड़ा की बात तो नहीं कर रहा? ऐसा कैसे हो सकता है चुटकी? हाँ, किरमाड़ा का तो पाटलिपुत्र में कृष्ण और भीम ने मिलकर खत्म कर दिया था ना। मगर राजू, जग्गू, शायद चुटकी की बात सही है। भीम, तो तुम्हारा मतलब है कि किरमाड़ा फिर से वापस आ गया? हाँ,